वायरस की महामारी से दुनिया को बचाने के लिए सैकड़ों वैक्सीन पर काम जारी है। एक आदर्श कोरोना वैक्सीन का रूप कैसा होगा, वो किस तरह शरीर में जाकर इस भयंकर रोग का खात्मा करेगी, इसे लेकर अभी तक कोई मजबूत दावा नहीं किया गया है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक नसल स्प्रे के जरिए वैक्सीन को शरीर में पहुँचाना ज्यादा बेहतर विकल्प मानते हैं। बर्किंगहम की अल्बामा यूनिवर्सिटी के इम्यूनोलॉजिस्ट और वैक्सीन डेवलपर फ्रांसिस कहती है कि क्लिनिकल ट्रायल में मौजूद ज्यादातर वैक्सीन मसल इंजेक्शन के जरिए बॉडी में डिलीवर किए जाते हैं। वैक्सीन को हाथ के ऊपरी हिस्से की तरफ लगाया जाता है। मांसपेशियों में इंजेक्शन का इम्यून पर अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसी वजह से ज्यादातर वैक्सीन डेवलपर यही से शुरुआत करते हैं। फ्रांसिसी के एक वैक्सीन निर्माता कंपनी अल्ट इम्यून के साथ काम करती है। इन्होंने बताया कि मांसपेशियों में इंजेक्शन का सिस्टमेटिक रिस्पांस तो मिलता है, लेकिन लोकल रिस्पांस नहीं मिल पाता। जेनेटिक एंटीबॉडीज जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में खून के जरिए पहुंचती है, उसे सिस्टमेटिक रिस्पांस कहा जाता है। लेकिन कोरोना वायरस जैसी किसी रेस्पिरेटरी वायरस के इन्फेक्शन की शुरुआत आमतौर पर नाक या गले से ही होती है। इस तरह के इन्फेक्शन इम्यूनिटी को गिरने से पहले काफी देर तक नाक और गले में रहते हैं। मांसपेशियों में इंजेक्शन के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन रोगी को एक बड़े खतरे से तो बचा सकती है, लेकिन गले और नाक में दवा न जाने की वजह से इन्फेक्शन फैलने का खतरा तब भी बना रहेगा। नाक में सीधे वैक्सीन जाने से एक अलग तरह की इम्यूनिटी बढ़ती है, जो नाक और गले के बीच पाई जाने वाली एक लाइन की कोशिका में है। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।